हमारे सचिन भाई जो प्रदेश के किसान यूनियन अम्बाल का किसान यूनियन अम्बाल का है और सारे राज्य में सारे देश में जय किसान जय जवान जय किसान भारतीय किसान यूनियन अम्बाल का जिंदाबाद भारतीय किसान यूनियन अम्बाल का जिंदाबाद भारतीय किसान यूनियन अम्बाल का जिंदाबाद जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जी को जिलाध्यक्ष बनाया है जबकि आज के समय में आदमी युवा की तरफ चलता है, लेकिन आप उनकी उम्र को देख के क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं? देखिए, असली लड़ाई तो हमारे नेताजी ने लड़ी है, बापू ने शुरू से लड़ते आ रहे हैं और किसानों की हमेशा इन्होंने लड़ाई जो लड़ी है, अभी बिजली को लेकर इन्होंने धरना दिया, मुआवजे को लेकर उन्होंने कई लड़ाई लड़ी है, तो इनसे भी हमें सीखने को मिलता है और इनका बहुत बहुत स्वागत है भारतीय किसान यूनियन अम्बावता में। अभी किसानों की समस्याओं को लेके पूरे प्रदेश देश में किसान जो परेशान है, पीड़ित है, उसको लेके हम 2 अक्टूबर को राजघाट पर महापंचायत का आयोजन भी कर रहे हैं, उसके बाद हम विधानसभा घेराव भी करेंगे किसानों की समस्याओं को लेके। और जो किसानों को उत्पीड़न किया जा रहा है, बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कहीं से कहीं तक भी। भारतीय किसान यूनियन हर तरीके से किसान की समस्याओं का समाधान करके ही रहेगी। जिलाध्यक्ष का पद दिया है, किसानों की किन किन समस्याओं को लेकर आप आवाज उठाएंगे, बताएं? मैं सबसे पहले भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय किसान यूनियन के अम्बावता जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे आज बागपत का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया। इसके बाद जो प्राथमिकताएं किसानों की हैं, उन प्राथमिकताओं को हम लोग खड़े उतरे, उनके लिए हम तत्पर रहने के लिए हमें 3-4 चीज़ की लड़ाई लड़ना बहुत आवश्यक है। किसान की सबसे पहली लड़ाई है हमारे बीच में, किसानों का जो शोषण है वो बंद हो, जो अधिकारी शोषण करते हैं वो बंद हो, बिजली के जो बिल अनान फनान आ रहे हैं उन बिजलियों की बिलों को ठीक करवाने के लिए किसान यूनियन को लड़ाई लड़नी है हम लोगों को। उसके बाद जो किसानों का जो गन्ना पेमेंट है उसकी लड़ाई भी हमको लड़नी है, और किसान के साथ साथ जो मजदूर है, मजलूम है, किसान का ये भी फर्ज है कि वो अपने मजदूरों की लड़ाई भी किसान यूनियन लड़े। सबसे बहुत बड़ा काम तो बिजली डिपार्टमेंट का है पूरे उत्तर प्रदेश में, जो किसी की सुनते नहीं, किसानों के बिलों का अनान फनान हो रहा है, किसानों की बिजली काटती जाती है बिल जमा होने के बाद भी। अभी पिछले दिनों हमने लड़ाई लड़ी थी लोनी का, SDO JEE के खिलाफ हमने उसका प्रदर्शन किया था, जिसका रिजल्ट अब आगे आएगा। तो हम लोगों को लड़ाई लड़नी है और लड़ाई किसान यूनियन सचिन हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमें बड़ी खुशी है कि नौजवान है, हम तो अब 60 साल से ऊपर चल दिए, तो हमें लड़ाई लड़ते हुए थोड़ा मज़ा ये आएगा किसान का, क्योंकि हम किसान के बेटे भी हैं और किसान धरती से हम जुड़े हुए भी हैं। मेरी 40 साल का एक्सपीरियंस है कि किसान का कोई सुनता नहीं है और किसान यूं नहीं उसकी सुनवाएगी, चाहे कहीं भी हो किसान की लड़ाई हर कीमत पर हर लड़ाई लड़ी जाएगी, चाहे वो धरने से हो, चाहे प्रदर्शन से हो, चाहे अधिकारियों को जो मर्जी करना हम लोगों को पड़े वो हम करने को तैयार हैं। बहुत बढ़िया, बहुत